इसीलिए ये रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने वहाँ पे लाठी खाई है, जिस तरीके से बेरहमी से उनको पीटा गया है। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके साथ ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वो लोग अभी एम्स जा रहे हैं। काफ़ी महिला साथी है जिनका अपॉइंटमेंट अभी डॉक्टर के पास है। तो मैं जस्ट ब्रीफ करूँगी पहले कि ये लोग बात करें, थोड़ा सा ब्रीफिंग हम लोग कर देते हैं कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वहीं से मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। जैसे आप लोगों को पता है कि टुडे इज़ द 23rd डे जब हम लोग एक प्रोटेस्ट में एंटर कर चुके हैं, और इसी मांग के साथ कि 28 अक्टूबर को जो IHA मीटिंग हुई थी वो इलीगल तरीके से बुलाया गया था, जहाँ पे JNU स्टूडेंट्स यूनियन को नहीं बुलाया गया था। उसी दिन से स्ट्राइक इसी बात पर है कि जो ड्राफ्ट हॉस्टल मैनुअल को लाया गया है इमिडिएटली उसको रोल बैक करवाया जाए और कम्प्लीट रोल बैक करवाया जाए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आए, बात करें, एक फ्रेश इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग बुलाए जहाँ पे JNU स्टूडेंट्स यूनियन पार्ट रहे और साथ साथ हॉस्टल प्रेसिडेंट्स के साथ एक नया मैनुअल का बातचीत शुरू हो। लेकिन लगातार पिछले 23 दिनों से हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और वाइस चांसलर के तरफ से कोई भी नेगोशिएशन या कोई भी बात डायलॉग, बेसिक डायलॉग शुरुआत तक भी नहीं होती है। इसके बीच में एक दिन कॉन्वोकेशन के दिन ये होता है कि हम लोग जो MHRT के मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल से मिलते हैं, वो अश्योरेंस देते हैं कि लास्ट वीक के अंदर, कल मंडे था उससे पहले वाला जो वीक है उसके अंदर MHRT के तरफ से कोई अश्योरेंस आएगा। लेकिन फ्राइडे तक MHRT के तरफ से कोई अश्योरेंस नहीं आया। तो कल का दिन हमने चुना था कि विंटर सेशन का पहला दिन है पार्लियामेंट का, कि JNU के स्टूडेंट्स स्ट्रीट्स में जाके एक शांतिपूर्वक तरीके से एक लॉन्ग मार्च करेंगे, जहाँ पे हम अपने जो बेसिक डिमांड है इस टाइम पे, ये डिमांड है कि जो IHA ड्राफ्ट को इलीगली 28 तारीख के मीटिंग में पास करवाया गया है एकदम रोल बैक किया जाए और MHRT इसमें इमीडिएटली इंटरवेन करके VC को डायरेक्ट करे कि वो इस ड्राफ्ट को रोल बैक करे। हम लोग कल जब स्टार्ट करते हैं कि सुबह के 11:30 बजे था, जिससे पहले पुलिस प्रशासन के लोग बार बार JNUSU के चारों मेंबर्स के साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे, बोल रहे थे आप लोग मार्च में मत जाओ, MHRT के तरफ से अश्योरेंस आ रहा है। और उसके बाद अश्योरेंस के नाम पे कुछ नहीं आया, ना JNUSU के पास आया। पुलिस के थ्रू एक छोटा नोटिफिकेशन आया जहाँ पे बोला गया कि कोई हाई पावर कमिटी को बैठाया गया, जो भी ट्वीट के थ्रू पता चला, हमें कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसका भी नहीं आया। उसके बाद हम लोग ने बोला कि हम अपना पीसफुल मार्च अपने डिमांड्स को रखते हुए चलेंगे, यही बोलते हुए कि JNU का स्टूडेंट पिछले 22 दिन से क्या फेस कर रहे हैं। हम लोग पहले साबरमती धाबा से निकले, जब निकले पहला बैरिकेड लगाया गया नॉर्थ गेट पे ही कि JNU के स्टूडेंट्स को ना जाने दिया जाए। वहाँ पे भी स्टूडेंट्स ने आराम से दिल्ली पुलिस को समझाने की कोशिश की कि आप लोग ऐसे मत कीजिए, ऐसे आप करेंगे तो JNU के स्टूडेंट्स नहीं जा पाएंगे और पिछले 22 दिन से जो हमारा हड़ताल कैंपस के अंदर चल रहा है वो बाहर के लोगों को भी बताने की ज़रूरत है, क्योंकि वाइस चांसलर कंटिन्यूसली एक नैरेटिव फैला रहा है कि JNU के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ना नहीं चाहते, JNU के स्टूडेंट्स जो है फ्री लोडर्स है, फ्री बीज है। तो फिर उसके बाद JNU के स्टूडेंट्स मार्च करना फिर से स्टार्ट किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेड सराय से ही पहले एक बड़ा सा बैरिकेड लगाया गया जहाँ पे, और तमाम CRPF वहाँ पे, तमाम जो CRPF थे वहाँ पे एकदम मारपीट करना शुरू कर दी। वहाँ पे मैं खुद थी, एक स्टूडेंट फेलो स्टूडेंट SIS के थे जिनको बचाने के लिए हम लोग सामने गई थी, मेरा कुर्ता लेके, जहाँ पे पुलिस के उनके इंस्पेक्टर्स बोल रहे थे कि मुझे जाने दिया जाए सामने कि हम लोग बात कर पाए, वहाँ पे मेरा कुर्ता, लाइक देर वेर मीडिया पर्सन फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस मेरे उनके सामने मेरा कुर्ता को पूरा एकदम खोल के ऊपर उठा दिया गया, एंड इट वॉज रियली शेमफुल दैट द पुलिस इज बिहेविंग इन दिस मैनर। और उसके साथ साथ वहाँ पे जो विमेन प्रोटेस्टर्स थे, वहाँ पे जो विमेन स्टूडेंट्स थे, उनको मेल पुलिसमैन इंक्लूडिंग मी, आई वॉज मैन हैंडल्ड बाई द मेल पुलिस पीपल, चार मेल पुलिस आते हैं, दो मेरे हाथ पकड़ते, दो मेरे पैर पकड़ते और मुझे खींच ले जाके बस में घुसा देते, और यही बाकी फीमेल स्टूडेंट्स के साथ कल हुआ है। और इससे भी बदतर, सिर्फ उनके साथ खींचातानी नहीं हुई है, उनको लिटरली ग्रोप किया गया है बहुत, और उनकी रिपोर्टिंग भी डिटेल तरीके से आएगा। उनके साथ जिस बहरहमी तरीके से एकदम ट्रीट किया गया है वो बहुत ही JNUSU की तरफ से हम कंडेम करते हैं कि ऐसा किसी भी स्टूडेंट के साथ, जो दिल्ली पुलिस का बेहतर रहा है, ये किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं होना चाहिए था। उसके बाद
हालांकि डिटेन कर दिया गया था हम लोगों को। मैं खुद दिल्ली कैंटनमेंट पुलिस स्टेशन में थी, मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी जो है जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के सतीश, हम दोनों दिल्ली कैंटनमेंट में थे पुलिस स्टेशन में। लेकिन उससे पहले बस को, जो इस बस में मैं थी, उसको घुमाया गया। मैं एक SOS मैसेज जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की ग्रुप में की थी उस टाइम पे, बिकॉज मेरे बस में एक स्टूडेंट थी जो कंटिन्यूसली वॉमिट कर रही थी और उसका पैर में लिटरली नंब हो गया था उसका पैर, उसको मेडिकल इमरजेंसी का हेल्प चाहिए था। जब हमने इंस्पेक्टर को बोला जो हमारे बस में थे कि देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ मेडिकल हेल्प एंड वी शुड बी स्टॉप्ड एट सम नियरेस्ट पुलिस स्टेशन फॉर मेडिकल इमरजेंसी, इंस्पेक्टर ने मुझे बोला कि आप क्या करना चाहते हो, आप कर लो, हम बस नहीं रोकेंगे। और दिस वॉज द ऑडेसिटी ऑफ द पुलिस टू से कि हम मेडिकल हेल्प जब बस रुकेगा तब दिया जाएगा, अभी कोई भी मेडिकल हेल्प हम लोग नहीं देंगे। हम लोग ने वहाँ पे अंदर भी कोशिश किया कि बातचीत किया जाए, हमने पुलिस के बाहर लोगों से कॉन्टैक्ट करने की फ़ोन के थ्रू कोशिश किया, बट कुछ नहीं। बस को 2 घंटा इस तरीके से घुमाया गया, द स्टूडेंट वॉज लिटरली शी वॉज अबाउट टू फेंट। हम लोग किसी तरीके से उनको पानी दे के वहाँ पर रखे, उसके बाद हमें दिल्ली कैंटनमेंट लिया गया, जाया गया। और जब शाम के टाइम हमें छोड़ा गया तो काफ़ी शाम हो चुकी थी, सतीश और हम दोनों खुद थे, हमें जीप से लाया गया, उसके बाद भी काफ़ी घुमाया गया। और उसके बाद जब हम लोग पहुँचे जोरबाग जहाँ पे सब लोग बैठे थे, स्टूडेंट्स का यही डिमांड था कि JNUSU के स्टूडेंट्स जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो जाएंगे, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे जब तक वो लोग डेलीगेशन से नहीं मिलने थे। डेलीगेशन का नाम करके मुझे और सतीश को अलग से पुलिस स्टेशन से निकाला गया और फिर बोला कि हमारे साथ, हम लोग कुछ JNU के स्टूडेंट्स भी साथ में लेके चले, बिकॉज वी कुडंट ट्रस्ट द पुलिस एट दैट मोमेंट। तो हमें निकाला गया वहाँ से और फिर हम बोले कि हमें इमीडिएटली पहुँचना है, साकेत और दानिश वेट कर रहा है, बाकी JNU के साथ ही वेट कर रहे हैं हम लोगों के लिए। जब हमने ये बोला सतीश और मैंने, तो बोला हाँ हम आपको जीप से लेके जा रहे हैं, हमने बोला ठीक है। उसके बाद दिल्ली की शहर में जहाँ जहाँ जैम था पर्टिकुलरली वहाँ लेके जा रहे थे। ओके चलिए हम लोग जो एक मिनट प्लीज आराम से, जहाँ से बात खत्म हुई थी कि वहाँ पे मुझे और सतीश को निकाला गया वहाँ से, और फिर उसके बाद हमें लिटरली 2 घंटा INA मार्केट के इर्द गिर्द घुमाया गया बोलते हुए आपको पहुँचाने की कोशिश कर रहे, लेकिन पहुँचा नहीं पा रहे क्योंकि जैम है। हर एक रास्ता खुला था जहाँ से हम लोगों को आधे घंटे के अंदर पहुँचा सकते थे, बट लिटरली वहाँ पे लेट किया गया। उसके बाद जब तक हम लोग जोरबाग पहुँचे, हमें फिर से पुलिस से ये नोटिफिकेशन आया, आपने तो काफ़ी लेट कर दिया, अब तो डेलीगेशन हो पाएगी कि नहीं पता नहीं। हमने बोला कि हम बोले थे पुलिस को डिटेन करने के लिए, नहीं हमने तो नहीं बोला था कि आप डिटेन करके मुझे और सतीश को वहाँ पे रख दो या बाकी स्टूडेंट्स को रख दो जिसके वजह से आप डेलीगेशन लेने ही जा पा रहे हो। और हमने क्लियरली बोला कि आज अगर डेलीगेशन नहीं जाएगा तो स्टूडेंट्स भी यहाँ से नहीं हटेंगे। आप ऐसे बार बार अगर सोच रहे हो कि आप स्टूडेंट्स के साथ ऐसे करके JNU के स्पिरिट को तोड़ सकते हो तो ऐसा नहीं होने वाला है। उसके बाद वहाँ पे स्टूडेंट्स की एक ही डिमांड था कि हम लोग जाएंगे डेलीगेशन से मिलेंगे और आके रिपोर्टिंग देंगे। स्टूडेंट्स वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से स्ट्रीट्स में बैठे हुए थे, मैंने वहाँ पे खुद एड्रेस किया, सतीश ने एड्रेस किया और उसके बाद हमने रिपोर्टिंग भी की, यहाँ पे बसेस है। तो तब स्टूडेंट्स ने वहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से बोला कि आप लोग जाइए, मिल के आइए और रिपोर्टिंग कीजिए, तब तक हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से बैठे रहेंगे। हमने बोला ठीक है, हम डेलीगेशन से मिल के आ रहे हैं। जब तक ये बोले और हमें लिया गया, जाया गया, लिया जाया गया पीछे के तरफ, हमें समझ में भी नहीं आया, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लाइट ऑफ हुई। और जब तक समझ में आया तब तक समझ में आया कि पुलिस ने ऑलरेडी लाठीचार्ज कर दी है और हमारे जो साथी थे उन पर लाठीचार्ज हो चुकी है। और ये इतना गंदा था कि चारों हम ऑफिस बेयरर्स को पीछे ले जाया गया बोल के कि आपको डेलीगेशन की तरफ ले जा रहे हैं, और हम चारों को सेपरेट कर दिया गया पुलिस द्वारा कि हम लोग चारों से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। आई वॉज थैंकफुल दैट आई गॉट अ जर्नलिस्ट फ्रॉम PTI, शी वॉज देयर, आई वॉज सर्चिंग फॉर, वेन आई गॉट टू सी हर शी वॉज इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने उससे पूछा कि तुमने साकेत, सतीश, दानिश किसी को देखा, बिकॉज मुझे अलग कर दिया गया है, मुझे नहीं पता है कि मुझे डेलीगेशन के नाम पे पीछे ले जाया गया और यहाँ पे कोई नहीं है बाकी यूनियन ऑफिस बेयरर्स, क्यों ऐसा हो रहा है। जब तक मैं उनके साथ गई, उसके बहुत देर बाद एक ACP आए और मुझे बोले नहीं आपको तो डेलीगेशन के लिए लेके जा रहे थे। लेकिन तब तक हम जब चार लोग मीट किए, उसके 5-10 मिनट बाद हमें समझ में आया कि ये टैक्टफुली किया गया कि हम चारों को सेपरेट कर दिया जाए कि हम लोग स्टूडेंट से भी ना मिल पाए, ना हम चारों अपने आप मिल पाए। और उसके बाद वहाँ पे आधा घंटा 15-20 मिनट हमें वेट करवाया गया, उसके बाद हम लोग ले गए शास्त्री भवन जहाँ पे हम लोग जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन JC हुसूर से मिले,
उनसे लगभग आधे घंटे से ऊपर बातचीत हुई, हमने अपना मेमोरेंडम दिया, एक्सप्लेन किया। और एक चीज़ मैं मीडिया के सामने बताना चाहूँगी जो क्लियरली समझ में आ रहा है कि कल रजिस्ट्रार को एक कमिटी जो फॉर्म हुआ है वहाँ पे रजिस्ट्रार को बुलाया गया बातचीत करने के लिए। जितना डिपार्टमेंट से बात होके पता चला कि रजिस्ट्रार हैज इवन डिनाइड टू मीट द कमिटी। दिस इज द ग्रेव सिचुएशन कि MHRT के तरफ से एक हाई पावर कमिटी बैठाया जाता है, जो भी कमिटी है उसमें रजिस्ट्रार इज डिनाइंग टू इवन मीट द कमिटी। तो ये जब कंडीशन है तब कौन सा जस्टिस आप हम JNU स्टूडेंट्स को दे पाएंगे? जब आपके रजिस्ट्रार, आपके नियुक्त वाइस चांसलर आपसे ही मिलने के लिए तैयार नहीं है और आप बार बार हमें बोल रहे हो कि आप अपना स्ट्राइक खत्म कर दीजिए। क्यों हम स्ट्राइक किस बात पे खत्म करें जब आपके हाई पावर कमिटी इज नॉट रेडी इवन टू टॉक, द रजिस्ट्रार इज नॉट इवन रेडी टू टॉक टू योर हाई पावर कमिटी। इसके बाद हमने काफ़ी लंबा बात किया वहाँ पे, हमने बोला ये स्ट्राइक तभी खत्म होगी जब MHRT की तरफ से कोई डायरेक्शन वाइस चांसलर को दिया जाएगा और वाइस चांसलर विल इमीडिएटली रोल बैक। इफ द वाइस चांसलर इज नॉट रेडी द MHRT एंड द कमिटी शुड इमीडिएटली कम आउट विद अ स्टेटमेंट दैट टिल एनी फर्दर नोटिस दिस ड्राफ्ट इज टेकन बैक। आइदर इट हैज टू हैपन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन और इट टू हैपन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। The MHRT can't come out with excuses कि वाइस चांसलर हमारा नहीं सुन रहा है। अगर वाइस चांसलर नहीं सुन रहा है, हमने क्लियरली बोल दिया दिस वाइस चांसलर मस्ट रिजाइन इमीडिएटली। क्योंकि ये मजाक JNU स्टूडेंट के साथ नहीं चलेगा। और अगर मिनिस्ट्री को लग रहा है कि कल जिस तरीके से हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया है, इस तरीके से डरा के धमका के हम लोग डर जाएंगे और हम लोग बैठ जाएंगे चुप, तो हम क्लियरली MHRT को कल बोल के आए हैं कि JNU के स्टूडेंट्स मानने वाले नहीं हैं जब तक आप रोल बैक नहीं करते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरीके से आप पुलिस यूज़ करके हमें चुप करवा देंगे तो ये नहीं होने वाला है। आज एक बार नहीं, JNU के स्टूडेंट्स बार बार पार्लियामेंट घेरेंगे अगर जब तक ये रोल बैक नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा है आपको इनकन्वीनियंस हो रही है, आपकी वाइस चांसलर बात अंदर नहीं सुन रही है, तो उस वाइस चांसलर को मत रखिए, उसको हटा दीजिए इमीडिएटली, क्योंकि वो वाइस चांसलर कोई काम का नहीं है। थर्डली जो इम्पोर्टेंट बात हमने बोली है कि जिस तरीके से रिजर्वेशन को स्कटल किया गया है, जो कोई भी मीडिया अभी के तौर पे एकदम नहीं इसको हाईलाइट कर रहा है, SC ST OBC रिजर्वेशन को हॉस्टल मैनुअल से हटा दिया गया है, PWD रिजर्वेशन को, इसको मीडिया से अपील है कि आप लोग हाईलाइट कीजिए कि हमारे हॉस्टल्स में पहले के मैनुअल में देर वॉज रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC एंड PWD स्टूडेंट्स, उसको इस एडमिनिस्ट्रेशन ने हटा दिया, जिसको हमने MHRT में बोला कि दे कांट स्कटल रिजर्वेशन। तीसरी बात, 10% इंक्रीमेंट एवरी ईयर ऑफ द हॉस्टल फी, जो हमने बोला ये नहीं हो सकता। बिना मीटिंग किए हुए आप बोल रहे हो अगले साल से इस साल का जो रेट रहेगा अगले साल से 10% अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये भी हम किसी भी तरीके से नहीं सुनने वाले। चौथा चीज़, जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स का पेमेंट JNU के स्टूडेंट्स के मेस बिल में ऐड किया जाएगा, ये भी हमने MHRT के पास बोला कि ये भी हम लोग नहीं कर सकते। एक इंस्टीट्यूशन में आप इस तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स का सैलरी को स्टूडेंट्स के मेस बिल के साथ नहीं जोड़ सकते। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो MHRT के साथ लंबा बात भी हुआ कि किस तरीके से इस पूरे मूवमेंट के दौरान स्टूडेंट्स को एकदम टारगेट किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नोटिसेस भेजा जा रहा है और उसी नोटिसेस के तहत अगले टाइम फाइन दिया जाएगा। एक एक स्टूडेंट्स को अभी तक शायद 10-11 नोटिसेस आ चुके हैं, चाहे इनका इंक्वायरी ऑफिस फंक्शन कर रहा है ना कर रहा है पता नहीं, लेकिन ये कंटिन्यूसली मेल्स पे नोटिस भेजे जा रहे हैं एक एक स्टूडेंट को टारगेट करते हुए कि ये स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो MHRT की तरफ से JNUSU का एकदम क्लियर वो था कि MHRT शुड डायरेक्ट द कमिटी दैट ऑल नोटिसेस सर्व टू स्टूडेंट्स वेदर इट्स विद इन द यूनिवर्सिटी और आउटसाइड, अगर FIR करने की कोशिश किया जा रहा है इस मूवमेंट की वजह से, उसको इमीडिएटली विदड्रॉ किया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन को बोला जाए कोई भी कार्रवाई स्टूडेंट्स के खिलाफ इस मूवमेंट के दौरान नहीं होगा, इट शुड बी टेकन बैक इमीडिएटली। कोई भी स्टूडेंट एक रुपया फाइन या नोटिसेज में नहीं, इंक्वायरीज पे नहीं जाएगा, एक भी रुपए का फाइन नहीं बढ़ेगा, बिकॉज दिस इज अ मूवमेंट फॉर अ जस्ट कॉज। और यहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू टारगेट स्टूडेंट्स, इसको कतई हम लोग एकदम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको क्लियर शब्द से हम लोग MHRT से बोल क्या है। और
अभी तक वर्बल एश्योरेंस छोड़ के MHRD की तरफ से हमें कुछ मिला नहीं है। मैं अपने ज्यादा बात को नहीं आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि बाकी साथी है जो अपने एक्सपीरियंस बताने वाले हैं और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे ये समझने के लिए किस तरीके से ब्रूटलिटी हुई है। कल एक JNU विजुअली चैलेंज फोरम की तरफ से भी आप लोगों के पास मैंने शेयर भी किया है, कल एक प्रोटेस्ट का कॉल उन्होंने भी दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीडिया जो पर्सनल्स आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, मीडिया के बंधु, आप लोग प्लीज़ इसको कवर कीजिए कि एक स्टूडेंट मूवमेंट, एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट मार्च जो पीसफुली निकला था ये बोलते हुए कि 22 दिन से JNU अपने कैंपस के अंदर लड़ रहा है इसी बात के लिए कि उसके स्टूडेंट्स पढ़ पाए, क्योंकि अगले एक महीने में वो सारे हज़ारों स्टूडेंट्स इस कैंपस के बाहर हो जाएंगे। उस टाइम पे ये हालत किया जाता है स्टूडेंट्स के साथ, ये हालत किया जाता है। उसके बाद प्रेस रिलीज दिल्ली पुलिस के पास से आता है कि टीयर गैस तो हमने यूज़ नहीं किया, वाटर कैनन हमने यूज़ नहीं किया, लाठी चार्ज नहीं यूज़ किया, तो स्टूडेंट्स ने क्या खुद को मारा? ये रियलिटी दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आज स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है जब वो अपने हक के लिए, अपने पढ़ाई के लिए बात कर रहे हैं। और जो सारे मीडिया यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हैंडफुल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको क्लियरली बोलना चाहते हैं कि अगर आपको अभी भी लग रहा है हैंडफुल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना नैरेटिव थोड़ा चेंज कीजिए। अगर आप रियलिटी में इधर आके वीडियोस कर खींच के लेके जा रहे हैं तो उसको दिखाइए। आप प्लीज़, आपसे अनुरोध रहेगा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि आप जहाँ से यहाँ पे इनका पूरा सुन के जा रहे हैं तो आप ये जाके दिखाएंगे कि दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से बर्बरता के साथ किस तरीके से इनके ऊपर अटैक किया था। वो सारे मीडिया से अनुरोध है, वो जो बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक तरीके का वैंडलिज्म हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर माना नहीं जा रहा है, आप थोड़ा पूछिएगा कि दिल्ली पुलिस ने कौन लॉ एंड ऑर्डर की बात मानी थी। आप थोड़ा पूछिएगा वाइस चांसलर से, जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं वाइस चांसलर से, हमारा वाइस चांसलर तो हमारे पास नहीं आता है और कुछ मीडिया चैनल्स के पास नहीं जाता है, अगर आपके पास जा रहा है, मैं बता देना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है कि आपके पास जा रहा है, आपका बात सुन भी ले रहा है, तो आप पूछिए कि एक महीने से वाइस चांसलर यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स तो मतलब यहाँ बैठे हुए हैं, काफी मीडिया के लोग भी यहाँ पे काफी दिन से कवर कर रहे हैं। वाइस चांसलर अगर आते तो मीडिया भी कवर कर लेता, देखो वाइस चांसलर आ रहा है लेकिन स्टूडेंट्स मिलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक दो चैनल से जो पूरा अलग नैरेटिव दे रहा है कि नहीं वाइस चांसलर हमारे पास आ रहे हैं तो शायद स्टूडेंट्स के पास नहीं जा रहे हैं। तो बहुत एकदम जेन्युइनली जर्नलिज्म किया जाए इसका एक्सपेक्टेशन हम JNU के स्टूडेंट्स रखते हैं, और इसी रेस्पेक्ट के साथ ये भी अपील करते हैं JNU स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से कि आप भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद आपका भी थोड़ा आँख कान खुले और आप भी थोड़ा एकदम सच्चाई को, जिस तरीके से ब्रूटलिटी हुआ है उसको एकदम ट्रूथ, जर्नलिज्म के ट्रूथ के साथ, स्पिरिट के साथ उसको एकदम दिखाने का हिम्मत कीजिए। हम आपके साथ जरूर खड़े होंगे। एक एक और बार बहुत बहुत शुक्रिया JNU स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, शुक्रिया इनकलाब जिंदाबाद छात्र।